स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस में। हम लोग मैथ को बहुत ही बेसिक से पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर कार्य और समय इसको ख़त्म कर लिया है। तो हमारा जो पहला चैप्टर है कार्य और समय, ये ख़त्म हो गया है और दूसरा चैप्टर नल और टंकी चल रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये जो अपना बेसिक से पढ़ रहे हैं, ये हम लोग अपने सवेरे के बैच में पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आपके जो रेलवे में आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर से लगा हुआ है, जैसा कि आप सबको पता है। इसी की तैयारी के लिए हम लोगों ने मैथ में और रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे हम लोग उसे सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपके ढेर सारे मैथ में और रीजनिंग में प्रश्न कराए जाएंगे। ये इस प्रकार से प्रश्न कराए जाएंगे जिस प्रकार आप 30 में से 30 नंबर ला सकते हैं, और रीजनिंग में भी आप कोशिश यही रहेगी कि 30 में से 30 नंबर आपका आ जाए। वैसे आपका सिलेक्शन 25 नंबरों पर ही हो जाएगा। 5 नंबर के मैथ में ऐसे प्रश्न आएंगे जो थोड़ा कठिन होंगे, जिनका लेवल थोड़ा हाई होगा, तो उसके चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ 25 नंबर ही कर देते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी प्रकार रीजनिंग में अगर आप सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में भी आपके 1 या 2 या 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो थोड़ा लेवल हाई रहेगा, तो वहाँ पर आपका समय थोड़ा कम होता है, इसलिए आप उस प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। घर पर आके आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि 90 मिनट का ही टाइम मिलना है तो उतनी जल्दी से उस प्रश्नों को सॉल्व नहीं करना है। तो एक्चुअली अगर आप सिर्फ 25 प्रश्न ही सॉल्व करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 30 में से 30 नंबरों का टारगेट है। इसी के लिए हम लोग मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग घटना चक्र के सारे प्रश्न लेंगे। घटना चक्र में जो आपके प्रश्न दिए गए हैं वो चैप्टर वाइज दिए गए हैं, इसलिए घटना चक्र में जो हम लोग पहला प्रश्न लेंगे, यानी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो कार्य और समय को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कार्य और समय हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए आपके को इन सब के कॉन्सेप्ट और सारे लॉजिक तैयार हैं, इसलिए हम लोग अपना पहला चैप्टर कार्य और समय स्टार्ट करते हैं, यानी कार्य और समय का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 15 आदमी एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, यदि कार्य को समाप्त करने के लिए 10 आदमी और लगा दिए जाएं तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यही हमें निकालना है। यानी कि आपका प्रश्न कौन सा है, ये आपका प्रश्न M1D1 = M2D2 इस फार्मूले पर है। M1 पहले आदमी, यानी पहले जो लोग काम करते हैं उसे M1 बोलते हैं, D1 जितने दिन लगते हैं, M2 जो दूसरे आदमी काम करते हैं और M2 जो दूसरे आदमी काम करते हैं, और D2 जो दूसरे आदमी को काम करने में जितने दिन लगते हैं। तो पहले कितने आदमी काम कर रहे हैं, 15 आदमी काम कर रहे हैं। 15 आदमी को काम करने में कितना दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है। यदि कार्य को समाप्त करने में 10 आदमी और लगा दिए जाए तो 10 आदमी और लगाएंगे, पहले 15 थे, 10 और आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। इनको कितना दिन लगेगा, हम मान लेते हैं एक्स दिन लगेगा। तो यही आपका आसान सा प्रश्न है, इसी को आपको सॉल्व करना है। 5 से कैंसिल करते हैं, 25 और 5 3 15, 5 से इसे कैंसिल करते हैं, 5 2 10, 3 और 2 का गुणा करते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी 6 दिन लगेगा अगर हम लोग 10 आदमी और बढ़ा देंगे तो। 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, बहुत ही आसान सा प्रश्न था, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। यानी कुछ आदमी हैं जो किसी काम को 20 दिन में करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये भी आपका किस प्रकार का प्रश्न है, M1D1 = M2 M1D1 = M2D2 इस टाइप का आपका प्रश्न है, जिसको हम लोग जल्दी से लिख लेते हैं। आदमियों की कुछ संख्या के बारे में बता रहा है, तो हमें नहीं पता है तो कितने आदमी हैं, हम लोग एक्स मान लेते हैं। ये कितने दिन में काम कर लेते हैं, 20 दिन में काम कर लेते हैं। चलिए आगे अगली लाइन पढ़ते हैं, 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं तो बाकियों ने काम को 40 दिन में समाप्त कर लिया। तो जब पहले हमारे पास एक्स आदमी थे, 5 नहीं आएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इन लोगों ने मिलकर कितने दिन में समाप्त किया काम, 40 दिन में समाप्त कर लिया है। तो D2 की वैल्यू 40 है, M2 यानी दूसरे ग्रुप के लोग कितने दिन में काम करते हैं, दूसरे ग्रुप के लोग 40 दिन में काम करते हैं, और दूसरे ग्रुप में लोगों की संख्या कितनी है, एक्स माइनस 5 है। पहले ग्रुप में कितने लोग थे, एक्स थे। पहले ग्रुप के लोगों को कितना दिन लगता था, 20 दिन लगता था। आगे बढ़ते हैं, काम जो मूलतः
काम करने के लिए सहमत हुए हैं, आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए हैं उनकी संख्या पता कीजिए, यानी कि शुरुआत में कितने आदमी थे, यानी कि आपको एक्स का मान निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। एक्स का 20 में गुणा करेंगे तो 20x रहेगा, बराबर 40 का इस एक्स में गुणा करेंगे तो आपका 40x हो जाएगा, और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 × 20, ये पीछे वाला 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 20 इधर जाएगा 40 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20x, बराबर ये 200 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 200 आपका हो गया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल आउट कर दीजिए, बचेगा सिर्फ आपका 1 0, यानी 1 0 मतलब 10 होता है, 0 नहीं लिख देना, 10 होगा, ठीक है। तो क्लियर है, यहाँ पर आपका 10 आंसर आ रहा है, 10 आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको 2 सेकंड में करते हैं। 18 आदमी एक जहाज के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लग रहा है। 18 आदमी किसी जहाज को कितने दिन में बनाते हैं, 7 दिन में बनाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में 15 आदमी कितने दिन में बनाएंगे ये हमें निकालना है। तो इसे गुणा कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, 3 से कैंसिल आउट करते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 6 और 7 का गुणा होगा कितना हो जाएगा 42, 5 का 3 गुणा करके नीचे आ जाएगा तो एक्स की वैल्यू आ गई कितना 5, 42/5, 5 के इसमें भाग कर लेते हैं तो कितना होगा, यहाँ आगे लिख देते हैं 5 × 8 = 40, 2 बचेगा हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 20, 5 × 20 यानी 8.4 आपका आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में देखिए आपका सी और डी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर कट गया है, तो आपका आंसर रहेगा 8.4, इस चीज़ को समझ लीजिएगा, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए हम लोग आगे, हमारा चौथे नंबर का प्रश्न है, 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा 5W किसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, ये भी आपका किस प्रकार का प्रश्न है, M1D1 = M2D2। तो हमने बताया था M1 वो चीज़ होता है जो काम करता है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो या फिर कोई ग्रुप हो, तो इसमें 5 महिलाओं का ग्रुप मिलकर 36 दिनों में काम करता है, ये M1 की वैल्यू 5W है और D1 की वैल्यू 36 है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक आदमी और एक महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दी गई है, M/W या ये इफिशियंसी का रेशियो दिया गया है कितना 3:1, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये क्षमता का रेशियो दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जहाँ M रहेगा वहाँ हम 3 लिखेंगे, जहाँ W होगा वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि W की क्षमता 1 है और M की क्षमता 3 है, M मतलब मैन, W मतलब वूमैन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अब निकालना क्या है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन लेंगे, तो 5 आदमी यानी M5M आदमी मतलब मैन कितने दिन लेंगे, x दिन लेंगे, यही हमारा समीकरण बनेगा, M1D1 = M2D2, सबकी वैल्यू रख देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, W की वैल्यू 1 रखना है, यहाँ पर 1 दिया गया है, M की वैल्यू 3 रखना है, या इस चीज़ को याद रखेगा, W हम 1 रखेंगे, 5 × 1 में गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5 ही, और यहाँ पर 36 लिखा ही है, यहाँ पर ये 5 लिखा है, M की वैल्यू कितना रखना है, M की वैल्यू 3 रखना है, और गुणे कितना हो जाएगा x, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 कैंसिल करिए, 3 × 3 = 3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 12, x की वैल्यू 12 आ रही है, यानी कि 12 आपका आंसर होगा, 12 ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। तो ये भी आसानी प्रश्न है, M1D1 = M2D2 के ही फार्मूले से लगाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, हमारा जो अगला प्रश्न है वो रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट पर आधारित है, तो रिमेनिंग वर्क का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पर हमारा अगला प्रश्न आधारित है। अगर आपने रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो डिटेल में वर्क एंड टाइम ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो आपको सुबह के लेक्चर में ये आपका वीडियो प्राप्त हो चुका है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। रिमेनिंग वर्क होता क्या है एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। रिमेनिंग वर्क का मतलब होता है कि मान लीजिए ये हमें पूरा काम खत्म करना है। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, एक स्कूल कैंटीन 3,200 किलो दाल खरीदती है जो 1,200 बच्चों को 20 दिनों के पोषण के लिए पर्याप्त होता है, तो 20 दिनों के लिए आपके पास जो 1200 बच्चे हैं वो इतनी दाल यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 दिनों बाद 180 बच्चे 1 महीने की लंबी यात्रा पर चले जाते हैं, बाकी बच्चों को और कितने अधिक दिन के पोषण के लिए दाल पर्याप्त होगी, तो और कितने अधिक दिन का मतलब होता है कि बाकी बच्चे 20 दिन तो खाएंगे ही, 20 दिन के अलावा 20 दिन के आगे कितने दिन ये इस दाल को यूज करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो चीज़ बचा हुआ है सिर्फ उसकी बात करेंगे, जैसे कि ये पूरा काम था, ये पूरा काम आपको 20 दिन में ख़त्म करना था, तो यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक
हम मान लेते हैं 6 दिन तक जब काम हुआ तो ये काम आपका खत्म हो गया है, ये कितना बिता 6 दिन, तो 6 दिन में जो भोजन यूज किया जा चुका है, जो खाया जा चुका है, वो तो अब दोबारा वापस आएगा नहीं, क्लियर। जो भोजन किया जा चुका है यानी खाया जा चुका है, वो दोबारा भोजन तो वापस आएगा नहीं, तो जो काम खत्म हो गया उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कितने दिन बचे हैं, 14 दिन बचे हैं, ठीक है। तो ये आपका रिमेनिंग वर्क है ये वाला, इसी रिमेनिंग वर्क की चिंता करिए। इसमें भी आप लोग M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ रिमेनिंग वर्क के लिए लगाएंगे, ठीक है। अब आगे ध्यान समझिएगा, ये पूरा काम कितने लोग कर रहे थे, 1200 बच्चे ये पूरा काम कर रहे थे। 1200 बच्चों ने 6 दिन तक खाना खाया, यही 1200 बच्चे अगर 14 दिन और खाना खा लें तो आपका पूरे का पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो M1 काम करने के लिए कितने लोग थे, 12 लोग थे, ये अगर कितने दिन काम करें, 14 दिन तक, तो पूरा काम खत्म हो जाएगा। आप इस तरीके से समझिए, ठीक है, पूरा भोजन खत्म हो जाएगा यानी कि पूरा काम खत्म हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन में कहा गया है कि 1200 बच्चे आपके नहीं बचे, कितने बचे, 180 बच्चे चले गए हैं, तो 180 घटा दीजिए, तो 1200 में से 100 घटाएंगे तो आपका 1100 आएगा, 1100 में से 80 घटाएंगे तो आपका आंसर 1020 आएगा, यानी 1020 आएगा। ये लोग कितने दिन तक भोजन यूज करेंगे, यही हमें निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका एक्स समान आएगा। तो इस कंडीशन में इधर भी आपने रिमेनिंग वर्क लिखा है, कितना काम बचा है, इस कंडीशन में भी ये जो काम खत्म हो रहा है उसको रिमेनिंग वर्क के रूप में ही आपने लिखा है, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क का ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, इसी को आपको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रिमेनिंग वर्क का जो हम लोगों ने वीडियो बनाया है उसको आप डिटेल में देख लीजिएगा, बहुत ही आसान वीडियो है। तो उसको सॉल्व करते हैं, 0 से यहाँ 0 कैंसिल आउट करते हैं, 7 में इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 7 = 14, 2 से इसे कैंसिल आउट करते हैं, 2 × 5 = 10 और 2 × 1 = 2। इसके बाद हम लोग इसको 3 से कैंसिल करते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 को कैंसिल करेंगे, 3 × 4 = 12 आपका 40 बचेगा, और यहाँ से 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, तो यहाँ पर आपका 17 बचा है। यहाँ पर कितना बचा है, 7 × 4 में गुणा करिए, 7 × 4 = 28 / आ गया आपका 17, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यही आपका आंसर है, यही आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 17 का भाग देते हैं, क्योंकि दशमलव में देख लिए सारे आंसर आपके दशमलव में ही आ रहे हैं, तो दशमलव में ये आंसर आएगा। 17 × 1 होता है 17, बचेगा आपका कितना बचेगा, यहाँ लिख देते हैं 11 बचेगा, पीछे 0 है यानी 110 हो जाएगा, 17 × 5 = 45, 17 × 6 = 102 आएगा, तो 16 दशमलव आंसर आएगा, यानी कि 16 दशमलव समथिंग आंसर आएगा। तो ऐसा अगर पूरा नहीं सॉल्व करें तो भी आप ऑप्शन नंबर बी को टिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देख लिए 16 दशमलव कुछ आंसर आ रहा है, अब आगे गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन देखिए, यहाँ 14 है, यहाँ 16.5, यहाँ 17.2 है, यहाँ 12.2 है, तो ऐसी कंडीशन में आगे अगर आपको पूरा गुणा करना है तो कर लीजिएगा, किसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप सीधे टिक लगाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको सही आंसर पर टिक लगाने का प्रश्न नंबर मिलता है, आपको कितना आता है, कितना नॉलेज है, इसका आपको नंबर नहीं मिलता है। तो सही आंसर हमने 16 दशमलव समथिंग हमारा आंसर आएगा, ये हमें पता है, और ऑप्शन में 16 दशमलव कुछ में सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी रिमेनिंग वर्क के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। इसमें लिखा गया है कि एक सफाई कंपनी के 42 सफाई कर्मचारियों को एक इमारत की सफाई के लिए 25 दिनों में काम करने का ठेका लिया जाता है, यानी कि 42 सफाई कर्मचारी मिलकर 25 दिनों में कोई काम कर लेते हैं, ठीक है। 10 दिनों बाद उन्होंने सिर्फ 10 दिन तक काम किया है, यानी 10 दिनों बाद 12 सफाई कर्मचारी नौकरी छोड़कर चले जाते हैं, तो 42 लोगों ने सिर्फ 10 दिन तक काम किया है। तो अगर हम लोग प्रश्न को सिंपल तरीके से लगाएंगे तो यहाँ पर आपके जो 42 कर्मचारियों ने 25 दिन काम करने का ठेका लिया था, लेकिन उन्होंने किया काम कितना है, 10 दिन तक काम किया है, तो 10 दिन में कितना काम खत्म किया है ये हमें निकालना पड़ेगा। तो उस परेशानी से बचने के लिए हम लोग रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट लगाएंगे वही M1D1 बराबर M2D2, लेकिन दोनों तरफ रिमेनिंग वर्क ही लिखा रहेगा, ठीक है। चलिए मानते हैं यहाँ से काम स्टार्ट होता है, धीरे धीरे होता है 10 दिन तक, ये सही से गोला नहीं बन पाया उसकी दिक्कत मत लीजिएगा, इतना काम हमारा खत्म हो गया है, अभी ये काम बचा है, ये कितने दिन तक खत्म हुआ, 10 दिन तक काम खत्म हुआ, कितने लोग कर रहे थे, 42 लोग ये काम कर रहे थे, तो अब कितना दिन बचा है, 25 दिन में काम उन्हें खत्म करना है, तो 15 दिन बचा है, तो 15 दिन बचा है काम खत्म करने के लिए, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, M1D1 बराबर M2
डे टू, लेकिन दोनों तरफ रिमेनिंग वर्क यानी कि आर डब्ल्यू और इस तरफ भी आर डब्ल्यू रिमेनिंग वर्क बचेगा। जो काम खत्म करने के लिए बचा है सिर्फ वही हमें लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है। तो अगर यही 42 कर्मचारी यानी एम वन डी वन की वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, 42 कर्मचारी शेष 15 दिन लगातार काम कर लेते तो आपका काम खत्म हो जाता। क्लियर। अब दूसरी कंडीशन में रिमेनिंग वर्क का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा इसको समझिए। 10 दिनों बाद 12 सफाई कर्मचारी काम छोड़कर चले जाते हैं यानी नौकरी छोड़ दिया है। तो 42 थे, 12 ने छोड़ दिया, बचे कितने 30। ठीक है, यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त करना है यानी कि डी टू कितने दिन में समाप्त करना है 10 दिन में, तो कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता, तो कितने कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है यानी कि कितने एक्स्ट्रा आदमी रखे जाएंगे, तो एक्स्ट्रा कितने आदमी रखे जाएंगे उसको हमने एक्स मान लिया है। पहली कंडीशन में हमारे पास 42 व्यक्ति थे जो कि 15 दिनों में शेष काम को ख़त्म कर सकते हैं। दूसरे कंडीशन में 30 हमारे पास बचे थे क्योंकि 12 छोड़ के काम चले गए थे और हमें कुछ आदमी और रखना था, तो कुछ आदमी और रखना था उसको हमने एक्स मान लिया है। ये लोग मिलकर कितने दिन में काम ख़त्म करेंगे, 10 दिन में शेष काम को ख़त्म कर लेंगे, यानी कि रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा एक्स का मान आ जाएगा जो कि आपको कितने कर्मचारी नौकरी पर रखे जाएंगे यही आपको निकालना है। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 दुनी 10 और 5 तियाई 15, 3 से इसे कैंसिल सॉरी 2 से कैंसिल आउट करते हैं 42 को, तो 2 दुनी 4 2 एकम 2, 3 का गुणा इसमें करेंगे 3 एकम 3 3 दुनी 6 बराबर यहाँ पर 30 है और प्लस के एक्स है। ठीक है, अब आप एक्स का मान 30 उधर जाएगा घट जाएगा, 30 उधर जाके 63 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स बराबर आपका बचेगा 33। तो यानी 33 कर्मचारी आपको एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा 10 दिनों में काम को समाप्त करने के लिए, तो आपका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो इस प्रकार से रिमेनिंग वर्क के हमारे पास 2-3 सवाल मिल रहे हैं। अगर इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा दिक्कत हो रही है आपको तो जाके बेसिक एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको जल्दी से निपटाते हैं। 10 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, एक नहर की खुदाई कर सकते हैं यानी 10 पुरुष एक नहर की खुदाई करना है 8 दिन का टाइम लेते हैं, 15 पुरुष इसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो यानी कि हमारा M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लग रहा है। 10 पुरुष किसी इसी काम को 8 दिन में करते हैं तो 15 पुरुष इसी काम को कितने दिन में करेंगे उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा 5 दुनी 10 और 5 तिहाई 15। अब तो ये कैंसिल आउट होने वाला है नहीं, 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 दुनी 16 और 3 का तिरक गुणा होकर नीचे आ जाएगा बराबर आपका एक्स बचेगा। 3 का आपको भाग करना है, आपका एक्स का मान आ जाएगा तो 3×5=15 और फिर 3×3=9, 3×3=9 यानी कि 5.33। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो इतने आसान आसान से प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। ये जो आपका 28 मार्च 2016 को थर्ड पारी यानी कि शाम का जो शिफ्ट होती है इवनिंग शिफ्ट, उसमें ये आपका क्वेश्चन आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर का प्रश्न भी हमारा आसान सा ही प्रश्न है, M1D1 बराबर M2D2 इसमें भी लग रहा है। 15 व्यक्ति एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि व्यक्तियों की संख्या 5 बढ़ा दी जाए तो काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा ये हमें निकालना है, कितने दिन में पूरा होगा ये नहीं निकालना है। चलिए M1D1 बराबर M2D2 लगाते हैं। पहले कितने आदमी थे, पहले आपके 15 आदमी थे, ये काम को कितने दिन में करते हैं 60 दिन में करते हैं। अगर 5 और बढ़ा दी जाए तो 15 आदमी आपके पहले थे, 5 आपने संख्या और बढ़ा दी तो कितने हो गए 20 हो गए। ये कितने दिन में करेंगे, ये हम मान लेते हैं एक्स दिन में करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये 20 का 3 में गुणा होगा, 20 तिहाई 60 होता हो जाता है और 15 तिहाई 45, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये 45 लिखा है, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 45। तो 45 दिन में ये 20 आदमी मिलकर काम खत्म करेंगे, तो हमें निकालना है काम कितने दिन पहले पूरा हो जाएगा। आप यहाँ जल्दबाजी में 45 आंसर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो हो जाएगा गलत। NTPC यही करता है कि आपको कुछ ना कुछ प्रश्न में संशोधन कर देता है जिससे आपके आंसर जो है गलत आ जाते हैं। आपको प्रश्न सही सॉल्व करते हैं फिर भी आपका आंसर गलत आता है, क्योंकि पूछ रहा है काम कितने दिन पहले पूरा होगा। देखिए, जो आपका वर्क था वो 60 दिन में पूरा होता था, लेकिन जब आपने 5 आदमी बढ़ा दिए तो 45 दिन में काम पूरा हो गया, तो कितने दिन पहले काम पूरा हो गया, 15 दिन पहले काम पूरा हो गया। कितने दिन पहले काम पूरा हो गया, 15 दिन पहले काम पूरा हो गया। अगर हम सिंपल तरीके से काम करते तो हमें 60 दिन लगता, लेकिन काम को हमने 45 दिन में पूरा कर लिया है, तो कितने दिन पहले पूरा किया है, 15 दिन पहले पूरा किया है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर बी को मत लगाइएगा। ठीक
ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारे 9वें नंबर का प्रश्न है, 10 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो बीच में देखिए तथा लगा है, तथा मतलब जोड़ना, यानी कि आपको 10 पुरुष और 5, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, 10 पुरुष यानी पुरुष को हम लोग एम लिखते हैं, 10M और 5W, ये दोनों मिलके, ये पूरा ग्रुप मिलके कितने दिन में काम कर लेता है, ये पूरा ग्रुप मिलके 60 दिन में काम कर लेता है। यहाँ भी आप M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन M4 यहाँ मैन नहीं होगा, यहाँ पर पूरा ग्रुप होगा। ग्रुप किसका है, 10 मैन का और 5W का। अब हमें M2D2 के बारे में पढ़ना है, तो देखिए बराबर में क्या लिखा है, यदि एक पुरुष और 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, यदि एक पुरुष 2 महिलाओं का कार्य कर सकता है, इसका मतलब होता है कि यदि M और W के बीच में जो रिलेशन है, एक पुरुष 2 महिलाओं का काम कर सकता है, यानी कि जो पुरुष की इफिशियंसी है वो महिला से डबल है, ये इस लाइन का मतलब होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, एक पुरुष यानी कि 1M 2 महिलाओं काम कर सकता है 2W के बराबर है, ये हमारा रिलेशन है। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि 1M 2W के बराबर काम कर सकता है। W को नीचे ले आइए तो M बटे हो गया W, बराबर इधर 2 बचा है और इधर 1 को नीचे ले आएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो इस कंडीशन में भी आपका क्या आ जाएगा, M बटे W बराबर 2/1, यानी M की क्षमता आ गई 2 और W की क्षमता आ गई है 1, W मतलब वूमेन, क्लियर। तो यहाँ पर चाहे इससे आप समझ सकते हैं डायरेक्ट कर लीजिए, चाहे इस तरीके से आप पहले निकाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 पुरुष और 20 महिलाएं उस काम के आधे भाग को पूरा करने में कितना समय लेंगी। तो किसको करना है काम, 5 पुरुष यानी 5M और 20 महिलाएं यानी कि 20W, कितना दिन लेंगी, हम मान लेते हैं एक्स दिन लेंगी, यही एक्स हमें निकालना है। लेकिन देखिए आधे भाग को पूरा करना है, तो ये यहाँ नीचे आपका W1 रहेगा, यहाँ नीचे आपका W2 भी रहेगा प्रश्न में, क्योंकि आपके कार्य के बारे में भी बताया जा रहा है। तो मान लेते हैं ये लोग जो हैं, ये पहला ग्रुप है एक काम करता है, तो ये दूसरा ग्रुप कितना करेगा, आधा काम करेगा यानी कि 1/2 काम करेगा। तो M1D1 आप बटे W1 बराबर M2D2 बटे W2 का फार्मूला लगा है, और यहाँ पर आप निकाल चुके हैं दोनों की क्षमता, तो जहाँ M मिलेगा वहाँ आपको 2 रखना है, जहाँ W मिलेगा वहाँ आपको 1 रखना है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब चलिए सबका मान रखते हैं, यहाँ M का मान आप 2 रखेंगे तो 10 का गुणा करेंगे हो जाएगा 20, प्लस यहाँ W का मान 1 रखेंगे तो ये रहेगा 5 ही, 5 का 1 में गुणा करेंगे 5, बराबर यहाँ क्या रहेगा, बराबर यहाँ गुणा लगा के यहाँ पर आपका 60 है, ये 2 प्लेट के ऊपर चला जाएगा, क्लियर। यहाँ पर M का मान 2 रखेंगे और 5 यहाँ पर है, हो जाएगा 10, यहाँ W का मान आप 1 रखेंगे और ये 20 है, तो ये हमें 1 का गुणा 20 में होगा तो 20 ही रहेगा, और गुणे एक्स ये हमें निकालना है, ये लाइन अलग है ध्यान दीजिएगा, और ये नीचे वाली लाइन अलग है। चलो इसको सॉल्व करते हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से कैंसिल आउट करते हैं तो ये 30 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 का 30 में गुणा करना है तो पहले गुणा बाद में कर लेते हैं, ये 25 लिख लेते हैं गुणे 30 लिख लेते हैं, बराबर यहाँ पर हो गया आपका 30, 10 और 20 मिलकर 30 हो गया और मल्टीप्लाई बाई एक्स सही है, तो ये 30 और 30 कैंसिल हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर आपका आ गया है 25। तो कितने दिन में काम पूरा कर लेंगे, 25 दिन में काम पूरा कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। तो अभी तक हमारे सारे सवाल M1D1 से ही हो रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। पेन को चेंज करना पड़ेगा, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही आसान है, लिखा है 15 व्यक्ति एक काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो दोगुनी क्षमता वाले, तो 15 व्यक्ति यानी कि हमको 15M मानते हैं, व्यक्ति को M लिखते हैं, तो हमने क्या किया है यहाँ पर समझ लीजिए, पहले हम M मानेंगे, उनके जो व्यक्ति हैं उन्हें M मान लेते हैं, और फिर ये दोगुनी क्षमता की बात कर रहा है, जो दूसरी कंडीशन में दोगुनी क्षमता की बात कर रहा है, तो इसको हम लोग 2M मान लेते हैं, ठीक है, क्षमता दोगुनी हो जाएगी, पहले क्षमता अगर हम लोग M मान लें तो बाद में दूसरी क्षमता हो जाएगी 2M, ठीक है। तो यानी पहली कंडीशन में आपको M रखना है, दूसरी कंडीशन में 2M रखना है, इस चीज़ को ध्यान से रख ध्यान दीजिएगा। तो 15 व्यक्ति यानी 15M किसी काम कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, वही M1D1 बराबर M2D2 का फार्मूला लगा रहे हैं। दोगुनी क्षमता वाले यानी कि दोगुनी क्षमता वाले 2M, ठीक है, वाले 30 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति, यहाँ देखिए पहले 15M 15 था, आपने क्षमता उसकी M मानी यानी 15M, दूसरे में 30 लोग थे उनकी क्षमता 2M है यानी कि 2M, क्लियर। कितने दिनों में कर सकते हैं यानी X आपको निकालना है,
बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 30 और 30 ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गया है, ये एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, दो से कैंसिल करेंगे तो 15/2 आपका आंसर आ जाएगा। 15/2 आंसर नहीं है तो इसका 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7.5 ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है ये, आपके 18 अप्रैल 2016 को पहली पारी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन का कलर बार बार चेंज करना पड़ता है, पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए, अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो अतुल को हम लोग ए मान लेते हैं। ए भाई साहब हैं, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। इसमें भी M1D1 = M2D2 लगेगा, तो M जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, अतुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरभ्य अतुल से 50% अधिक तेज है, यानी कि ए फॉर अतुल है, आर फॉर आरभ्य है। तो आरभ्य के बारे में बताया जा रहा है कि 50% अधिक तेज है, यानी कि अगर हम अतुल को 100% मान लें, अतुल की यहाँ पर क्षमता हम लोग 100% मान लें, तो आरभ्य की क्षमता कितनी हो जाएगी, 50% ज़्यादा, 150% हो जाएगी। ये इन दोनों के बीच में अनुपात है, ये परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से आप कैंसिल करेंगे तो 50 × 2 = 100 और 50 × 3 = 150। तो ये दोनों के बीच की इफिशियंसी क्षमता निकल आई, यानी जहाँ भी आपको अतुल मिले वहाँ 2 रखिए, जहाँ भी आपको आरभ्य मिले वहाँ पर 3 रखिए, ये इसका मतलब होता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक ही काम को करने के लिए प्रश्न दिया गया है, एक ही काम को करने के लिए अतुल आरभ्य से कितना अधिक समय लेगा। तो ठीक है, हाँ बढ़िया क्वेश्चन है। एक ही काम को करने के लिए अतुल आरभ्य से कितना ज़्यादा समय लेगा ये हमें निकालना है। तो आरभ्य कितना काम करेगी उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो आरभ्य को हम लोग आर लिखेंगे, और कितना समय लेगी हम मान लेते हैं एक्स समय लेगी। तो आपको पता है आर की जहाँ पे हमें 3 रखना है, ए की जहाँ पे 2 रखना है, ये हमें पता है। तो यहाँ 2 रखिए, 2 × 18 = आर की जहाँ पे हमें 3 रखना है, सॉरी 3 × x, क्लियर। 3 × 6 = 18 और 6 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो आरभ्य कितना टाइम लेगी, 12 समय लेगी, यानी 12 दिन में ये काम करेगी। इसका आंसर आ रहा है दिन में, तो 12 दिन में आंसर काम करेगी। और ये अतुल भाई साहब कितने दिन में काम करते थे, 18 दिन में करते थे। तो अतुल कितना दिन ज़्यादा लेते थे, 18 दिन में ये करते थे, 12 दिन में ये कर रहे, तो कितना दिन ज़्यादा हो जाएगा, 6 दिन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व। इस प्रश्न का दूसरा मेथड भी हम लोग देख लेते हैं। अतुल एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो ए फॉर अतुल लिखते हैं, आर फॉर आरभ्य लिखते हैं। दिया गया है कि आरभ्य जो है 50% अधिक तेज है, आरभ्य 50% अधिक तेज है, तो अतुल को हम लोग 100% मान लेते हैं, तो आरभ्य 150% हो जाएगी। अब ये इसे 50% तेज है, यहाँ कि इन दोनों में यही अनुपात है, परसेंटेज परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 50 से कैंसिल करेंगे तो 50 × 2 = 100 और 50 × 3 = 150 हो जाएगा आपका। तो हमारा ऑप्शन 2:3 आएगा। ये किसका अनुपात है, ये इफिशियंसी क्षमता का अनुपात है। तो आर और ए में जो क्षमता का अनुपात है, यानी इफिशियंसी का रेशियो है, वो कितना रेशियो है, 2:3। आपको पता है टाइम का क्या रेशियो होता है, इफिशियंसी के रेशियो का जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। तो 3:2 हो जाएगा। तो अतुल का देख रहे हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा है अनुपात में, अतुल का यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है अनुपात में 1 ज़्यादा है, क्लियर। लेकिन अतुल के दिन कितने दिए गए हैं, अतुल के दिन दिए गए हैं 18 दिन। तो यहाँ 3:1 किसके बराबर है, 18 दिन के बराबर है। तो 1:1 चूंकि कितना ज़्यादा है यही हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है अतुल आरभ्य से कितना ज़्यादा समय लेता है, ये आपको निकालना है। तो 3:1 किसके बराबर है, 18 दिन के बराबर है, क्लियर। 1:1 किसके बराबर होगा, 3 का भाग दे दीजिए तो आपका 6 दिन आंसर आ जाएगा, 1:6 दिन के बराबर होगा। इस प्रकार हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो ये आप इफिशियंसी और टाइम में जो रिलेशन होता है, अपोजिट रिलेशन होता है, उससे आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 12 नंबर का हमारा प्रश्न कह रहा है, देखिए 12 नंबर में 12 आदमी भी आ रहे हैं। 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। या का मतलब होता है या तो 12 आदमी काम करें या 24 लड़के काम करें, किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कि 12 आदमी का मतलब कि हम m लिखते हैं बराबर 24b। तो 12 से इसे कैंसिल करेंगे, 2 times कैंसिल आउट होगा, तो m बराबर हो जाएगा 2b। m और b में रिलेशन क्या आ जाएगा, b का 3 गुणा करके नीचे ले आए हैं, तो 2:1। इसका मतलब होता है कि जो m की एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो हमेशा 2 रहेगी, बी की जो क्षमता रहेगी वो हमेशा 1 रहेगी। यानी एम जहाँ मिलेगा वहाँ आप 2 रख सकते हैं, बी जहाँ मिलेगा वहाँ पर आप
एक रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 24 आदमी और 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो 24 आदमी यानी कि आपको लिखना है 24m, तो 24m और प्लस के 12 लड़के यानी 12b मिलके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। हम मान लेते हैं x दिन में समाप्त कर लेंगे। अब इसके बराबर कुछ लिखना है तो इसके बराबर में पहला वाला समीकरण ही लिख देते हैं। 12m मिलके कितने दिन में समाप्त करते थे, 12m मिलके 20 दिन में समाप्त करते थे। ये m1d1 बराबर m2d2 का ही यहाँ पर फार्मूला लगाया गया है। अब आपको पता है जहाँ m मिलेगा वहाँ 2 रखना है, जहाँ b मिलेगा वहाँ पर 1 रखना है। तो m की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो 24 दूनी कितना हो जाएगा 48, और b की वैल्यू आपको 1 ही रखना है तो 12 का 1 में गुणा करेंगे तो आपका 12 ही आएगा। क्लियर, यहाँ पर x रहेगा बराबर m की वैल्यू यहाँ पर आप 2 रखेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 24, और यहाँ पर 12m मिलके 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 24 हो गया और ये आपका 20 बचा है। अब इसको आप मतलब सॉल्व कर लीजिए, 48 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 60 गुणे एक्स बराबर आपका बचा है 24 गुणे 20, तो 24 सॉरी इसे 20 से कैंसिल आउट करिए, 20 तियाई 60 और 3 का भाग इस 24 में दीजिए, 3 अठे 24, तो एक कुल कटपिट के आपका आंसर कितना आ रहा है, 8 दिन आंसर आ रहा है, 8 दिन, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। देखिए ऐसे प्रश्न कभी कभी घुमा फिरा के भी आ जाते हैं। सुबह की पाली में भी 9 जनवरी 2017 में सुबह भी आया है, और इससे पहले ये पेपर 2016 में आ चुका है, 19 अप्रैल 2016 को थर्ड पारी में आ चुका है। तो ये हमारा मेंस वाला एग्जाम था जो जनवरी में हुआ था वो मेंस का हुआ था, और ये वाला प्री वाला आपका एग्जाम था, तो यही प्री वाला क्वेश्चन मेंस में भी घुमा फिरा के आ चुका है। तो एक ही क्वेश्चन बार बार आते हैं, उसकी आप चिंता मत करिएगा, हम लोग सीरीज से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इनका कलर चेंज करना पड़ेगा दोबारा। हाँ, 15 आदमी एक काम को 330 दिनों में कर सकते हैं। तो 15 आदमी के बारे में बताया जा रहा है 330 दिन में काम कर सकते हैं, परंतु 220 दिनों के बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं। ठीक है, 220 दिनों के बाद 15 आदमी और आ गए, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो कितने और दिन लगेंगे काम को पूरा होने में, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग सीधा सीधा करेंगे तो चूंकि हमें कितना वर्क किया गया है ये भी निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसमें कौन सा लगाते हैं, शेष कार्य का फार्मूला लगाते हैं, रिमेनिंग वर्क का फार्मूला लगाते हैं। समझ लेते हैं रिमेनिंग वर्क का फार्मूला। ये मान लीजिए टोटल काम है, टोटल काम को ये पूरे कितने दिन में खत्म करते हैं, 330 दिन में खत्म करने की बात ये करते हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया और मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट किया काम और यहाँ पर कर दिया, इतना काम इन्होंने ख़त्म कर दिया, कितने दिन काम ख़त्म किया है, 220 दिन तक काम ख़त्म कर दिया है, तो बचेगा कितना, बचे है आपका 110 दिन। टोटल 330 था, एक 220 में काम पूरा, 220 दिन काम किया जा चुका है, तो बचा कितना है, 110 दिन बचा है। ये आपका शेष वर्क है, इसको कौन कौन पूरा कर सकता है इसी की हमें बात करना है। तो अगर ये 15 आदमी जो शुरू में हमारे पास थे, जो हमारे पास शुरू में काम थे 15 आदमी, यही अगर 110 दिन तक काम करें तो हमारा काम पूरा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर भी आप लोग M1D1 बराबर M2D2 का ही फार्मूला लगा रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ इस तरफ और इस तरफ भी आपका सेफ वर्क ही लिखेंगे, यानी सेफ कार्य ही लिखेंगे। लेकिन अब आगे क्या किया, 15 आदमी और भर्ती कर लिए जाते हैं, तो इतने दिन बाद यानी यहाँ पर 15 आदमी और आ गए, तो 15 आपके पास पहले थे, 15 और आ गए, कुल मिला के हो गए 30 आदमी हो गए। क्लियर, तो कितने दिन और सॉरी निकालना क्या है, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा, तो कितने और दिनों में काम पूरा हो जाएगा, उस दिनों की संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 15 कैंसिल आउट करेंगे, 5 बार जाएगा, 5 के इसमें गुणा करेंगे, आपका 55 आंसर आएगा, एक्स बराबर 55 दिन ये आंसर रहेगा। ठीक है, तो 55 दिन और लगेंगे काम को पूरा करने में, यानी कि अगर ये 15 आदमी और आ जाएं तो 110 दिन नहीं लगेगा बल्कि 55 दिनों में ही काम पूरा हो जाएगा। ये रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट शायद आपको 7वें 8वें लेक्चर में जो हम लोग वर्क एंड टाइम पढ़ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया जा चुका है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, ये भी आपके देखिए 2-3 बार आपके क्वेश्चन आ चुका है, तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, हमारा अगला प्रश्न है, 30 व्यक्ति द्वारा 8 दिनों में एक काम का 1/3 हिस्सा पूरा कर सकते हैं। तो काम को उन्होंने खत्म किया है, कितना किया है, 1/3, यानी कि अगर हम टोटल वर्क को 3 मान लें तो इसमें से इन्होंने एक काम को खत्म किया है। तो यहाँ पर हम लोग M1 ये D है, D1 अपॉन W1 बराबर M2
डी टू अपॉन डब्ल्यू टू का फार्मूला यूज करेंगे। क्लियर? तो सीधे सीधे लिखते हैं, 30 व्यक्ति हैं, किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में करते हैं, काम को उन्होंने खत्म किया है, कितना किया है, एक। टोटल हमने 3 वर्क माना है जिसमें से एक इन्होंने खत्म कर लिया है। बराबर इधर क्या लिखेंगे, अगले 10 दिनों में, यानी कि काम को, यानी डी टू की वैल्यू आपको दिया गया है 10 दिन, तो यहाँ पर 10 लिखते हैं। काम को खत्म करने के लिए कितने और अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाएंगे ये निकालना है। यानी कि 30 आदमी आपके पास पहले से थे, आपने जो एक्स्ट्रा आदमी है उन्हें आपने एक्स मान लिया है, तो आपका 30 प्लस एक्स हो जाएगा। और ये लोग मिलकर कितना काम करेंगे, ये लोग मिलकर 2 काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने M1 D1 W1 में कौन सा काम किया गया, जो फार्मूला लगा है क्या है, किया गया कार्य, यानी जितना काम खत्म हो चुका है, किया गया कार्य। तो M1 D1 W1 में आपने किया गया कार्य लिखा है, और M2 D2 W2 में आपने शेष कार्य के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, यानी कि रिमेनिंग वर्क का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे। इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है, और 2 ऊपर जाएगा, ये 2 पलट के ऊपर जाए, सॉरी 2 पलट के ऊपर नहीं जाएगा, 2 का गुणा इसमें करेंगे। तो चलिए 2 का इसमें गुणा करते हैं, 8 × 2 = 16, और 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 × 3 = 48। तो 48 बराबर यहाँ 30, और प्लस के एक्स है, 30 उधर जाके घट जाएगा, तो कुल मिला के एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 18 आपको एक्स्ट्रा आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते, हमारा अगला प्रश्न है, 8 मशीनें प्रत्येक 2 मिनट में 560 रस के डिब्बे भर सकती हैं। ये भी आपका M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2 का ही क्वेश्चन है। काम कौन कर रहा है, 8 मशीनें, यानी 8 मशीनें, टाइम कितना दिया गया है, 2 मिनट। कौन सा काम कर रही हैं, रस के डिब्बे भरने का काम कर रही हैं, कितने भरेंगी, 560, तो यही आपका W1 कहलाएगा। आगे लिखा है 20 मशीनें, यानी कि 20 काम कौन कर रहा है, 20 मशीनें, अगले 6 मिनट में कितने रस के डिब्बे भरेंगी, यानी कि आपको W2 का मान निकालना है। तो बहुत ही आसान है, जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ये 0 से इसको 10 बार कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कैंसिल करने के लिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 तिहाई 6, और 2 से इसे 4 बार कैंसिल करते हैं, उसके बाद 4 से इसे कैंसिल करते हैं, 4 × 4 = 16, और ये 0 बचेगा। तो बचा क्या आपका, ये 140 बचा है, यहाँ पर 10 बचा है, और ये यहाँ पर 3 बचा है। अब तो कुछ होगा नहीं, W2 बराबर ये इधर आ जाएगा, और ये तिरक गुणा होकर इस तरफ चले जाएगा, तो 140 का 10 में गुणा करेंगे, 1400 हो जाएगा, गुणे 3, तो 14 × 28 = 42, ये आपका 4200 आंसर आ जाएगा, 4200 ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। तो इस प्रकार आज हमारे पास सिर्फ 15 ही क्वेश्चन थे, अगले हम लोग हर वीडियो में 15 क्वेश्चन ही लगाएंगे, क्योंकि अगर 30 प्रश्न लगाने लगेंगे तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के रूप में आप 15 प्रश्न लगाइए, आपके लिए बहुत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं अपने दूसरे बैच में, और इसमें आप प्रैक्टिस करिए, मैथ में आपको 30 में से 30 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए हैं, इसके बाद के जो इसके आगे के क्वेश्चन है इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।